हालांकि जो गार्ड वगैरह हैं वो देखते रहते हैं, लेकिन एक गार्ड इतने सारे लोगों को कैसे रोक सकता है। ये वो जगह है जहाँ पे शाही इमाम रहे हों, खुद शाह आई मीन बादशाह ने यहाँ पे नमाज़ें पढ़ाई हों। तो ये आप देख सकते हैं रील्स वगैरह बनाते रहते हैं लोग। और ये है बड़ा सा चबूतरा, ये बेसमेंट है जो मस्जिद के नीचे वाला पोर्शन है और उसके ऊपर है वो मस्जिद, क्योंकि जो मस्जिद है वो चबूतरे बनाई गई है और ये पूरा का पूरा उसका बेसमेंट है। ये एक समय में कम। तो अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है किला कोहना मस्जिद, इसे मुग़ल दौर की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और एक्चुअल में इस मस्जिद का जो निर्माण है 1541 में शेर शाह सूरी ने करवाया था। इसे खूबसूरत बनाने के लिए आप देख सकते हैं इसमें तीन तरह के पत्थरों को यूज़ किया गया है। ये जो आपको सामने नीचे में दिख रहा है ये वाइट मार्बल है, उसके ऊपर में रेड स्टोन है, उस ऊपर में टाइल्स हैं जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, ऊपर में रेड स्टोन, और ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से। इस तरफ है वो हौज़ वगैरह रहा होगा, कहीं ना कहीं इसमें कोई फाउंटेन वगैरह चलता होगा, ढंग से पता नहीं है। तो ये है वो पूरा हौज़, हो सकता है कि ये वज़ू के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता होगा। और अफसोस की बात है जिसे दिखाना चाहिए उसे ये लोग बंद कर देते हैं, और जिसको एक्चुअल में बंद होना चाहिए वो बिल्कुल खुली रहती है। इस मस्जिद में कपल्स आते हैं और वो मतलब ये जो भी है वो अच्छा नहीं होता मस्जिद के लिए, क्योंकि मस्जिद में कपल्स जो है ना वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इन सब चीज़ों को बंद नहीं करते जिसे ये बंद करना चाहिए। तो भाई ये मस्जिद है, हालांकि लोग चप्पल वगैरह उतारते नहीं हैं, लेकिन मैं जूता उतारूँगा क्योंकि मस्जिद है, मस्जिद का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है और सभी का फ़र्ज़ है। आप देख सकते हैं ये है मेन गेट, ऊपर से आपको देखने को मिलेंगी छतरियाँ, खिड़कियाँ जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है वाइट मार्बल है, और इस तरफ आप देखेंगे तो पूरी तरह से कुरान की आयतें गढ़ी गई हैं, लिखी गई हैं इसमें। तो भाई ये पूरी तरह से मस्जिद है, जो चीज़ होती नहीं है उसके लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में बिल्कुल प्रमाणित है कि एक मस्जिद है जिसमें नमाज भी होनी चाहिए, तो इसमें नमाज नहीं होती। हालांकि इसमें नमाज होनी चाहिए थी, नमाज क्यों नहीं होती है? और कम से कम अगर नमाज नहीं होती है तो इसमें कम से कम जूता और चप्पल तो अलाउड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुलेआम यहाँ पे कपल्स आते हैं, कुछ हरकतें करते हैं और मस्जिद में आकर मेहराबों के सामने, तो ये बिल्कुल भी तकलीफ दे बात है। तो ये आप देख सकते हैं रील्स वगैरह बनाते रहते हैं लोग। और ये जो आप देख रहे हैं वो सब मेहराबें हैं, इसकी खूबसूरती को आप देख सकते हैं। और ये जो आपको दिख रही है वो मेन मेहराब है, परहैप्स यहाँ पे इमाम वगैरह खड़े होते होंगे। हो सकता है कि इन जगहों पे कभी शेर शाह सूरी ने भी नमाज़ें पढ़ाई हो, इन जगहों पे हुमायूं बादशाह ने भी नमाज़ें पढ़ाई हो। ये वो जगह है जहाँ पे शाही इमाम रहे हों, खुद शाह आई मीन बादशाह ने यहाँ पे नमाज़ें पढ़ाई हों। और ये सब जो जगह आपको दिख रही है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब जगहों पे सजदे किए गए हैं, और यही वजह है कि इसका जो एहतराम है हमारे ऊपर लाजमी है। आप इसकी दीवारों को देख सकते हैं, खूबसूरती को देख सकते हैं, तो इस तरफ से दो गुंबद हैं, ये बीच में सबसे बड़ा गुंबद और उस तरफ दो गुंबद, तो पूरी तरह से ये पांच गुंबदों वाली मस्जिद है किला कोहना मस्जिद, और इसे शेर शाह मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए, पांच वक्ता नहीं तो कम से कम जुमे की भी जो नमाज़ है वो यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये मस्जिद है और मस्जिद की कद्र करना हमारा फ़र्ज़ है, और साथ ही साथ इसे सजदों से आबाद करना भी हमारा फ़र्ज़ है। बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों ऐसी जगहों पर आकर जहाँ पर कपल्स का अड्डा बन चुका है, यहाँ पर लोग रील्स बनाते हैं। दोस्तों बात करें हम शेर शाह सूरी की, तो शेर शाह सूरी कोई और नहीं, ये मुग़ल बादशाह बाबर के सेनापति थे और बाद में बाबर के बेटे हुमायूं को हराया और हिंदुस्तान के सल्तनत पे कब्ज़ा किया, और वो 5 साल तक हिंदुस्तान के बादशाह रहे। इनका मकबरा मैंने इसकी पहले की वीडियो में दिखाया था जो कि सासाराम में स्थित है, बिहार के सासाराम में स्थित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पहला बिहारी था जो दिल्ली की सल्तनत पर बैठने में कामयाब रहा था। और ये है उसका पूरा सहन, आप देख सकते हैं।
तो परहैप्स कहीं ना कहीं इन सभी जगहों पे, इन सब जगहों पे, यहाँ तक के यहाँ तक पूरी तरह से सजदों से मुजयन की गई ये मस्जिद। और इस तरफ आपको एक कुआं भी दिखाने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है एक कुआं, ये कुआं है जिस पे कुछ लिखा हुआ भी है बट वो दिख नहीं रहा, फारसी में कुछ लिखा हुआ है। जो इस कुएं की हिस्ट्री लिखी हुई है वो आप देख सकते हैं, सामने में बोर्ड है वो, तो ये कुछ लिखा हुआ है बट एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा है थोड़ा सा दूर होने की वजह से। और ये कुआं है जो परहैप्स वज़ू के लिए यूज़ किया जाता होगा एक टाइम में। तो उसी मस्जिद से अगर आप नीचे उतरते हैं तो आपको इस तरफ दिखने वाला है, ये है खुदाई का वो हिस्सा। और इस तरफ आप देखेंगे, अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि हम लोग ज़मीनी सतह पर थे लेकिन एक्चुअल में ये है इसका ज़मीनी सतह। ये जो आपको दिख रहा है वो बेसमेंट है और ये है बड़ा सा चबूतरा। ये बेसमेंट है जो मस्जिद के नीचे वाला पोर्शन है और उसके ऊपर है वो मस्जिद, क्योंकि जो मस्जिद है वो चबूतरे बनाई गई है और ये पूरा का पूरा उसका बेसमेंट है। ये एक समय में कमरा रहा होगा, तो ये बेसमेंट आप देख सकते हैं। हालांकि अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ख़तरे से खाली नहीं है अंदर जाना। ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है वो ज़मीनी सतह नहीं है, ये ज़मीनी सतह के ऊपर का हिस्सा है, बेसमेंट के ऊपर का हिस्सा है। और इस तरफ से आप मस्जिद देख सकते हैं, तो ये मस्जिद के नीचे का बना हुआ कमरा वगैरह है। ये जो एरिया है ना पूरी तरह से कचड़ा बना दिया गया है और स्पेशली कपल्स के द्वारा, और बिल्कुल कपल से सुरक्षित नहीं है ये एरिया, हम कह सकते हैं ऐसा। हालांकि जो गार्ड वगैरह है वो देखते रहते हैं लेकिन एक गार्ड इतने सारे लोगों को कैसे रोक सकता है, कहीं ना कहीं इनको मौका मिल ही जाता है और ये आपस में शुरू हो जाते हैं। इस तरफ देख सकते हैं, इधर में परहैप्स अस्तबल वगैरह होगा, घोड़े वगैरह के लिए बनाया गया होगा। ये जो दीवार आपको दिख रही है वो लास्ट वाली दीवार है। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये अस्टबल वगैरह होगा जहाँ पे घोड़े वगैरह रखे जाते होंगे, क्योंकि बादशाह का ये पूरा का पूरा किला था। तो आप देख सकते हैं यार, पूरी तरह से गंदा कर रखा है इसको लोगों ने। तो ये जो पुराना किला दिल्ली है ना दोस्तों, ये बहुत ही रहस्यमय किला है, कई बार इसकी खुदाई हो चुकी है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ शहर की जो उल्लेख मिलता है वो यही है पुराना किला दिल्ली। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना वो है तलाकी दरवाज़ा। तलाकी दरवाज़ा का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्जित दरवाज़ा, मतलब यहाँ पर दूसरों को आना मना था। अगर आप इसके नीचे वाले दरवाजे को देखेंगे, ये जो दरवाज़ा है वो पानी की सतह तक जाता था, ऊपर में पुल वगैरह होगा या मेन शहर का वो दरवाज़ा होगा, और उसके ऊपर में मेहराबें आप देख सकते हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो नीचे नीचे इस तलाकी दरवाजे के नीचे नीचे कमरे बनाए गए हैं जो परहैप्स उस समय गार्ड वगैरह के लिए या सिपहसालार जो होते थे उनके रहने के लिए बनाया गया होगा, सैनिकों के लिए ये बनाया गया होगा पूरा का पूरा। ये बिल्कुल किनारे किनारे फ्रंट गेट तक चला जाता है, आप वहाँ देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।